नमस्ते फ्रेंड्स, पीएमसी हिंदी के स्वाध्याय सीरीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सुप्रिया है और मैं दिल्ली से हूँ। आज हम स्वाध्याय सीरीज़ में जो बुक आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शाकाहार अमृत आहार। शाकाहार बुक, इसके अंदर हमारे ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी ने अनेकों मैसेजेस दिए हैं और इसके साथ साथ हमारे और भी अनेकों ग्रेट मास्टर्स ने इसके अंदर अपने संदेश दिए हैं शाकाहार से रिलेटेड। आनंद मूर्ति गुरु माँ और स्वामी मुक्तानंद जी, ओशो जी और हमारे गुरु वासवानी जी, अमोघ लीला दास जी, इन सब ने शाकाहार से रिलेटेड इसमें अनेकों मैसेजेस दिए हैं। शाकाहार के बारे में बात करने से पहले हमें ये समझना है कि इतना लोग बोलते हैं वेजिटेरियन हो जाओ, शाकाहारी हो जाओ, क्यों, किस लिए? उससे पहले जो बेस है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और बेस यही है फ्रेंड्स कि हम लोग सब एक सामूहिक चेतना के साथ इस मदर अर्थ पे, इस पृथ्वी पे रहते हैं। क्या हम और पशु पक्षी अलग हैं? अगर आप थोड़ा सा मुड़ के देखें, थोड़ा सा पीछे पलट के देखें तो हमें ये सोचना है फ्रेंड्स कि हम खुद एनिमल किंगडम से होते हुए ही ह्यूमन किंगडम में आए हैं। ये सफ़र हमने तय किया है आध्यात्मिक रास्ते के थ्रू, ध्यान करके हम आगे बढ़े हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किसी प्राणी को काटें, मारें, उन्हें पीड़ा दें। हम यहाँ पर ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ इकट्ठे रहते हैं। हम सब उस परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगी फ्रेंड्स। आप देखिए, हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं या हम ध्यान करते हैं, हम मेडिटेटर्स हैं, राइट? तो जब हम ध्यान कर रहे हैं, जब हम उस परमपिता परमेश्वर की ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, हम मानते हैं कि वो हमारे हृदय में वास करता है। तो जो आप खाते हैं नशीले पदार्थ, मांसाहार, जो आप जीवन को किसी को पीड़ा देके जो आप अपने अंदर ग्रहण करते हैं, क्या वो उसको भोग नहीं लग रहा? अगर आप सोचें वो अंदर बैठे परमात्मा तक पहुंच रहा है ना, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम आध्यात्मिक रास्ते पे अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, हम स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, तो हमें हर हाल में मांसाहार खाना छोड़ना होगा और ध्यान की ओर हमें बढ़ना होगा फ्रेंड्स। मांसाहार से रिलेटेड यानी कि नॉनवेज नहीं खाना है, इसको लेके बहुत तर्क वितर्क हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्न करते हैं, बहुत सारे तर्क देते हैं, पर उसको क्यों मना किया जाता है ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला हम पॉइंट लेते हैं फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल पॉइंट यानी आध्यात्मिक। हम बात करते हैं कि हम भारतवर्ष में रहते हैं, हम अध्यात्म से जुड़े हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं। जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, स्पिरिचुअलिटी मतलब एक साथ जुड़ के रहना, स्पिरिचुअलिटी मतलब अहिंसा। भगवान बुद्ध ने भी कहा है अहिंसा परमो धर्म। तो अगर हम वो फॉलो करना चाहते हैं तो हमें बिल्कुल भी मांसाहार को ग्रहण नहीं करना है, हम तभी आगे बढ़ सकते हैं। आजकल आप देखिए कितने सारे वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स कितनी तरक्की कर रहे हैं। इंटरनेट, 3G, 4G और अब तो 5G, क्या कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन इतनी तरक्की के बावजूद भी डिप्रेशन क्यों, दर्द क्यों, पीड़ा क्यों, आपने कभी ये समझने की कोशिश करी? वो इसलिए क्योंकि हम वैज्ञानिक स्तर पर तरक्की कर रहे हैं लेकिन आत्मा के स्तर पर हम सिर्फ एक पुतला बन के रह गए हैं, चलता फिरता एक मनुष्य पुतला बन गया है, क्योंकि हमारे अंदर से दया ही खत्म हो गई है। उस दया को, उस करुणा को, उस भावना को वापस अपने अंदर जागृत करने के लिए हमें हर हाल में मांसाहार को छोड़ना होगा और शाकाहार को अपनाना होगा। ये है हमारा स्पिरिचुअल पॉइंट। सेकेंड, हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि हमें क्यों नहीं खाना है। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, हमारा जो शरीर है, ये किसी भी तरीके से मांसाहार को ग्रहण करने के लिए नहीं बना है। हमारा स्टमक, हमारा इंटेस्टाइन, ये डाइजेस्ट करने के लिए नहीं है मांसाहार को। फूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, डाइजेशन से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम्स होती हैं, कैंसर तक लोगों को हो जाता है क्योंकि हमारी बॉडी उस तरीके से बनी ही नहीं है, वी आर नॉट लाइक दैट। और अगर मैं बात करूँ हमारे दांतों की, तो हमारे दांत भी मांस खाने के लिए नहीं है। जो पशु मांस खाते हैं,
कार्निवोरस एनिमल्स, उनके जो दांत, आगे के जो उनके दो दांत होते हैं कैनाइन जिसे हम कहते हैं, वो बहुत शार्प और तीखे होते हैं। वो बने ही इसलिए हैं, कुदरत ने बनाया ही इसलिए है ताकि वो मांस को चीर फाड़ कर सके। और हमारे दांत कितने सुंदर हैं, जैसे कि हिरन के होते हैं, गाय के होते हैं, आप मैच करके देख सकते हैं, जस्ट लाइक दैट हर्बीवोरस, शाकाहारी भोजन खाने के लिए। तो एक ये दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स कि हमें मांसाहार नहीं खाना चाहिए, हमारी बॉडी इसके लिए बिल्कुल नहीं बनी है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की कि हमें क्यों छोड़ना है। जब हम मांसाहार खाते हैं ना, तो ये तामसिक भोजन बन जाता है, तमस, जिससे गुस्सा, घृणा, डिप्रेशन, ये सब कुछ हमारे अंदर आता है। राक्षस प्रवृत्ति जिसे हम कहते हैं, गलत थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न्स बनते हैं। और फिर हम हिंसा प्रवृत्ति के हो जाते हैं, दूसरों को दुख देना, लड़ाइयाँ करना, दूसरों को चोट पहुँचाना, गुस्से की भावना। आज कितने सारे लोग डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, वाई? डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, कोई ना कोई मेंटल इशू, कोई ना कोई मेंटल हेल्थ। क्यों? क्योंकि हम मांसाहार खा रहे हैं, वो हमें नहीं खाना है, अशांति होती है उससे। और एक बहुत 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 बड़ा रीज़न इसके पीछे ये भी है कि जितने भी एन नंबर ऑफ बीमारियां हैं, हार्ट अटैक से लेके, बीपी से लेके, कैंसर से लेके, पाइल्स तक, फिशर्स, ये सब कुछ उत्पन्न होता है केवल नॉनवेज खाने से। लेकिन हम तर्क देने से पीछे नहीं हटते। इस पे एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बार एक कसाई जो है वो बकरी को काटने जा रहा था, तो बकरी बहुत हंसने लगी। कसाई ने कहा, बड़ा मुस्कुरा रही है, मैं तो तुझे काटने वाला हूँ। तो बकरी ने कहा, अरे मैं तेरे पे मुस्कुरा रही हूँ मूर्ख, क्योंकि मैं क्या खाती हूँ, घास, फूस, पत्ते, मैं ये सब कुछ ग्रहण करती हूँ। हरी सब्जी खाने के बाद, घास फूस खाने के बाद मेरा ये हाल हो रहा है, तू मुझे काटने वाला है, तेरे हाथों में मरने वाली हूँ, तो सोच तू मुझे काटेगा, लोग खरीदेंगे, बनाएंगे, खाएंगे, बेचेंगे, तो तुम लोगों का क्या हाल होगा। तो ज़रा सोचिए फ्रेंड्स, कितनी महत्वपूर्ण बात हमें एक जानवर ने सिखा दी, हमें एक पशु ने सिखा दी कि हमें किसी भी हाल में उनकी हत्या नहीं करनी है। अगले रीज़न पे हम जानते हैं कि हमें क्यों नहीं खाना है मांसाहार। जितने भी ये कसाई खाने होते हैं, जहाँ पर इनको काटा जाता है, जहाँ इनको मारा जाता है, ऐसा कहा जाता है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि उनके अंदर वो दर्द, वो पेन आ जाता है जिस वक्त उनको मारते हैं। आप खुद सोचिए, कोई आपको ज़रा सी चोट पहुँचाए, कितना दर्द होता है ना, हम कराह उठते हैं, आंसू आ जाते हैं हमको। सिमिलरली जो जानवर हैं, जब कसाई खाने में, चाहे वो मुर्गी हो, चाहे वो बकरा हो, कोई भी हो, जब उनको कसाई काटने लगता है तो बहुत तड़फन होती है, वो दर्द वो महसूस करते हैं, और वही उनकी खून में और उनके पूरे शरीर में दौड़ने लगता है। और जब आप वो खाते हैं, जब आप वो ग्रहण करते हैं, वही पीड़ा, वही दर्द ऑटोमेटिकली आपके शरीर में भी जा रही है। तो आप देखिए कि आप क्या खा रहे हैं। और साइंटिफिकली ये भी प्रूवन है कि जो कसाई खाने होते हैं, जहाँ पर इतना शर्मनाक, दर्दनीय काम होता है, वहाँ के आसपास का जितना एरिया होता है, ऑटोमेटिकली वहाँ पर लड़ाइयाँ, झगड़े, एक्सीडेंट्स होने लगते हैं, क्योंकि वो रुदन, वो तड़प वहाँ पर है एनिमल्स की, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम खाते हैं। भगवान बुद्ध ने भी कहा, एक बार किसी ने प्रश्न किया कि भाई हम तो जो है मांसाहार को केवल खरीद के लाते हैं, हम काटते तो नहीं, तो हम पापी कैसे हुए, हम बुरे कैसे हुए? तो भगवान बुद्ध ने कहा, अरे क्योंकि आप खाते हैं, आप खरीदते हैं, तभी तो वो कटता है, तभी तो वो बिकता है, अगर हम खाएंगे नहीं तो वो बिकेगा क्यों? तो हमें ये सोचना है फ्रेंड्स कि हमें क्यों मांसाहार छोड़ना है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स कि जब आप खाओगे नहीं तो कोई काटेगा क्यों, कोई बेचेगा क्यों? तो ये कंट्रोल तो हमें खुद करना है ना अपने ऊपर, ये हमें खुद समझना है। और क्या तर्क देते हैं लोग नॉन वेजिटेरियन को लेके कि भाई हम खाते नहीं हैं लेकिन बना देते हैं, क्या करें, घर में बच्चे खाते हैं, हस्बैंड खाते हैं। आप एक बात सोचिए, आप किसी प्राणी को काट के उसे बड़े प्यार से थाली में परोस के दे रहे हैं,
आप खुद सोचिए, क्या आपके पास भी तो बच्चे हैं? क्या आपके बच्चे को जरा सी चोट लगे माँ कैसे तड़प उठती है? हम क्या कर रहे हैं, हम किसी जीव के बच्चे को काट के और उसको परोस के खिला रहे हैं, और फिर हम बहुत शान से कहते हैं कि नहीं, हम खाते नहीं हैं, हम सिर्फ बना देते हैं, फैमिली में खाते हैं। आप आज ही इसी वक्त ये संकल्प करिए कि नहीं, हम बना के भी नहीं देंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो मांसाहार का व्यापार है, ये जो इतना बड़ा बिजनेस है, इसके अंदर जो काटता है, जो खरीदता है, जो पकाता है, जो खाता है, जो बेचता है, जो पेश करता है, यहाँ तक कि अगर कोई आपको फोर्स भी करता है कि प्लीज़ थोड़ा चख के देखिए ना, थोड़ा खाइए ना, हर कोई हत्यारा है, हर कोई पापी है। तो अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है इसके बारे में, बनाना है कि नहीं बनाना है, और आज ही मना करना है। आप जानते हैं फ्रेंड्स, हम फैमिली की अगर हम बात करें, हम सबकी फैमिली है, मेरे भी बच्चे हैं। आजकल सारे परिवार क्यों टूट रहे हैं? हम सुनते हैं हर दूसरे तीसरे घर में डिवोर्स हो रहा है, लड़ाई झगड़े, किसी की किसी से नहीं बनती। ये सब क्यों? कभी गहराई से सोचा? क्योंकि हम खुद पशु पक्षियों के परिवारों को तोड़ रहे हैं। हम फार्मिंग, आपने फार्मिंग के बारे में सुना होगा, एनिमल फार्मिंग होती है, पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, वहाँ पर क्या होता है? एक नवजात शिशु, गाय का छोटा सा बच्चा, उसे अपनी माँ से दूर कर देते हैं, उसे अपनी ही माँ का दूध नहीं पीने देते। क्यों? क्योंकि दूध का व्यापार करना है, ज़्यादा दूध चाहिए, बिजनेस करना है, बेचना है। सिर्फ इसलिए हम उस छोटे से बच्चे को अपनी माँ से अलग कर देते हैं, अनेकों बच्चों को करते हैं। जब हम किसी और का परिवार खराब करते हैं, किसी और के परिवार को बिखेर देते हैं, तो हम ये कैसे आशा कर सकते हैं कि हम सबके परिवार सुखी रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, शांति रहेगी? ज़्यादा से ज़्यादा दूध निकालने के लिए उनको इंजेक्शन देना, उनको इतने गंदे सर्कमस्टांस में हम रखते हैं, इतनी पीड़ा देते हैं, तो आज हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? नशे की लत है बच्चों के अंदर, हर तरीके का नशा बच्चे करते हैं, माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, उनका आदर और सम्मान नहीं करते हैं। क्यों करेंगे वो? हम ये सोचते ही नहीं। और ये काम केवल उन लोगों के लिए नहीं है फ्रेंड्स, जो मांसाहार खाते हैं, जो शाकाहारी हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप दूसरों को भी प्रेरणा दें, दूसरों को भी आप बोलें कि नहीं, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना है, उसके क्या नुकसान हैं आप बताइए, और साथ ही साथ शाकाहारी भोजन के क्या फ़ायदे हैं ये भी बताइए। अब एक बहुत ही मज़ेदार सवाल जो लोग अक्सर पूछते हैं अंडे के बारे में, एग, कि भाई एग जो होता है वो तो वेजिटेरियन है, वो तो हम खा सकते हैं, उसमें तो हम किसी को नहीं काट रहे हैं। आपने कभी सुना, कभी कहीं देखा कि अंडा पेड़ पे उगता है, या अंडों की कहीं खेती होती है? नहीं ना, अंडा बिल्कुल भी शाकाहार नहीं है। जैसे नर के अंदर शुक्राणु होते हैं, ठीक उसी प्रकार मादा में अंडा होता है, और उस अंडे के अंदर प्रॉपर तरीके से जान होती है, जिसे हम पका के खा लेते हैं। आपको पता है, एक मुर्गी सालाना ईयरली सिर्फ 15 अंडे दे सकती है, लेकिन क्योंकि लोगों की डिमांड इतनी है कि उनको प्रोटीन डाइट लेना है, उनको जिम जाना है, उनको प्रोटीन शेक पीना है, अंडा खाना है, इसलिए उनको इतना टॉर्चर करते हैं, उनको इंजेक्शन लगाते हैं। और वही मुर्गी जो सालाना 15 अंडे देती थी, अब वो सालाना 300 अंडे देती है। पोल्ट्री फार्म में ये सब कुछ हो रहा है, इतना उनको इतना ज़्यादा तड़पाया जा रहा है। और एक्चुअल में इट इज़ ऑल्सो साइंटिफिकली प्रूवन कि अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे ना, तो वो अंडे जो इंजेक्शन लगा के ज़बरदस्ती मुर्गियों को तड़फा के निकाले जाते हैं, वो एक्चुअल में मेंस्ट्रुअल वेस्ट है, पीरियड्स का वेस्ट है जो आप खाते हैं। आप देखें तो सही, सोचें तो सही, आप क्या ग्रहण कर रहे हैं अपने अंदर। और फिर बहुत बहुत आराम से तर्क देते हैं कि अरे अंडा तो वेजिटेरियन है। बिल्कुल भी नहीं, भारत सरकार ने अंडे को मांसाहार घोषित किया है, और ये प्रूवन भी है।
तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, जो लोग अंडे को ये कहते हैं ना कि वेजिटेरियन है, अरे हमें प्रोटीन डाइट चाहिए, बिल्कुल नहीं। जितना प्रोटीन दालों में होता है ना, उतना हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए काफ़ी है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें। सारा प्रोटीन, सारा मिनरल, सारे विटामिंस, हमको फाइबर, सब कुछ शाकाहारी भोजन से मिल जाता है। एक्स्ट्रा प्रोटीन खाते हैं क्यों भाई? अब हमारा जो ये शरीर है, ह्यूमन बॉडी, प्रोटीन ही तो है सारा, है ना? तो जब हम एक्स्ट्रा प्रोटीन खाते हैं किस लिए? हमें ताकतवर बनना है, हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन ग्रहण करना है। ये एक्स्ट्रा प्रोटीन अल्टीमेटली आपको कैंसर की बीमारी देता है। ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं ज़्यादा प्रोटीन खाने से। तो कृपया थोड़ी समझदारी दिखाएं, थोड़े जागरूक हो जाएं प्लीज़, और सोच समझ के खाएं कि आप क्या ग्रहण कर रहे हैं। ये तो थे हमारे मांसाहार के बारे में बातें, जो तर्क वितर्क लोग करते हैं, जो बातें होती हैं, और कैसे जानवरों को तड़पाया जाता है, उनको मारा जाता है, कैसे, वही चीज़ हमारे सामने आती है। अब हम बात करते हैं शाकाहार की। शाकाहार क्यों हमें ग्रहण करना चाहिए? सबसे पहले शाकाहार भोजन मन की शांति देता है, तन को स्वस्थता देता है, और ना केवल ये आपके शरीर को बल्कि आपकी आत्मा को भी बहुत बहुत ऊर्जा देता है। फ्रेंड्स, शाकाहार भोजन में हर तरीके का, जैसा मैंने कहा कि मिनरल्स हैं, विटामिन है, फाइबर है, हर तरीके से ये संपूर्ण स्वास्थ्य आपको देता है। एक कंप्लीट न्यूट्रिशनल पैकेज है शाकाहार भोजन। यही अगर हम क्लोरोफिल की बात करें, क्लोरोफिल एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे हरी सब्जियों में, प्लांट्स में होता है। आपने देखा है पेड़ पौधों का रंग हरा होता है ना, कैसे होता है? वो क्लोरोफिल पदार्थ उनके अंदर होता है। सूर्य की रोशनी से, मिनरल से, पानी से, इन सब से मिलके एक फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा जो ये पेड़ पौधे हैं, ये अपना भोजन बनाते हैं। इसमें क्लोरोफिल भी शामिल है, और वही हरी पत्तेदार सब्जियाँ, वही भोजन हम ग्रहण करते हैं, फल और सब्जी। तो जो वो भोजन क्लोरोफिल युक्त हम ग्रहण करते हैं, उससे कितने फ़ायदे हैं? हमारे रेड ब्लड सेल्स बढ़ते हैं, हमारी उम्र थोड़ी सी कम दिखती है, हम जवान दिखते हैं, हमारे शरीर में जो रोगों को लड़ने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, जख्म जल्दी भर जाते हैं, बीमारियां जल्दी ठीक हो जाती हैं। इतना पावरफुल है शाकाहार भोजन। कितनी जड़ी बूटियां हैं, मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं कितने सारे पौधों में, तुलसी, अश्वगंधा, एलोवेरा, गिलोय। अभी हाल ही में हम सब कोरोना वायरस से बाहर आए, राइट? कोविड पीरियड चला था। इस कोविड पीरियड के दौरान आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने काढ़ा पिया है ना, उस काढ़े में शायद दालचीनी थी, इलायची थी, और वीट ग्रास का काढ़ा, गिलोय का काढ़ा। ये कहाँ से आया? मांस से आया क्या? अंडे से आया? नहीं, पेड़ पौधों से, औषधियों से, शाकाहार से। तो वहाँ आपकी जान किसने बचाई? किसने हमें उस बीमारी से बाहर निकाला? शाकाहार ने। कितनी ताकत है ना शाकाहार में, सबने इसका लोहा माना कोविड टाइम में। तो अब तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें समझ ही लेना चाहिए कि शाकाहार भोजन हर तरीके से बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। हमारे पिता महापत्री सर कहते हैं कि खाने को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं वो, कि भोजन पकाना, भोजन खाना, भोजन परोसना हर तरीके से एक कला है, और इस कला में सबको मास्टर होना चाहिए। पत्री सर कहते हैं क्या खाना है, कितना खाना है। पत्री सर कहते हैं कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर के लिए है, लेकिन उसका स्वाद हमारी आत्मा के लिए होता है। तो हमको स्वादिष्ट भोजन खाना चाहिए। सर ने यहाँ भी कहा, इस किताब में हमें ये मैसेज भी दिया है कि अगर कोई मांसाहारी व्यक्ति बेशक शाकाहारी भोजन बना रहा है तो भी उस भोजन में कोई स्वाद नहीं। तो हमको खाना बनाना भी आना चाहिए, और एक शाकाहारी इंसान जो शुद्ध शाकाहारी है उसी के हाथ का भोजन ग्रहण करना चाहिए। एक आध्यात्मिक व्यक्ति के हाथ का बना हुआ भोजन ग्रहण करना चाहिए, उसमें बहुत प्राण ऊर्जा होती है, उसमें बहुत शक्ति होती है, मन को शांति मिलती है।
और इन सब के साथ साथ ध्यान, ध्यान का बहुत महत्व बताया है कि जब हम ध्यान करते हैं, अपने आप से कनेक्ट होते हैं, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो जागरूकता, वो अवेयरनेस आती है कि हाँ, हमें क्या खाना है, क्या ग्रहण करना है। सर ने हमें बताया कि हमें लहसुन यानी कि गार्लिक भी नहीं खाना चाहिए। बहुत लोग इसके लिए भी तर्क देते हैं कि अरे वो तो उगता है ना, वो तो शाकाहारी है ना, तो उसको खाने में क्या प्रॉब्लम है, प्याज को, लहसुन को। पर गार्लिक के लिए मना करते हैं। क्यों? क्योंकि जो गार्लिक है, इसके पीछे एक कहानी है फ्रेंड्स। हमारे भगवान कृष्ण ने मोहिनी रूप लिया था, मोहिनी अवतार लिया था, तो उस अवतार में उन्होंने राहु नाम के एक राक्षस का वध किया था अपने सुदर्शन चक्र से। तो जब उसका सिर कटा था, उस राहु नाम के राक्षस का जब सर कटा था, तो जहाँ उसका सर गिरा था और ब्लड गिरा था, वहाँ पर लहसुन पैदा हुआ था। आपने देखा है कभी लहसुन का शेप जस्ट लाइक अ हड्डियाँ जैसे होती हैं, वाइट। तो उसमें नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा है, तामसिक है वो, इसलिए वो हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आपको लहसुन खाना छोड़ देना चाहिए। हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी वो बाधा डालता है, हमारे को नेगेटिव थॉट्स देता है, लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ापन देता है, सो नहीं खाना चाहिए। दूसरा सर बताते हैं कि बासी भोजन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा शुद्ध और ऑन टाइम जो खाना बनाए, हाथ के हाथ, अभी बनाया, ताज़ा और अभी खाया, वैसा भोजन लेना है। जब हम बासी भोजन खाते हैं सुबह का, रात या रात का, सुबह, तो उस टाइम तक उसके अंदर जो प्राण शक्ति होती है वो ख़त्म हो जाती है फ्रेंड्स। तो हमें बासी भोजन भी नहीं खाना चाहिए। और हमें माइक्रोवेव का खाना, आजकल तो हर घर में माइक्रोवेव है, क्योंकि कौन गैस पे गर्म करे, समय लगता है, तो फटाफट हम माइक्रोवेव में गर्म कर लेते हैं, माइक्रोवेव में ही कुछ बना लेते हैं। तो माइक्रोवेव का खाना खाने के लिए भी सर मना करते हैं, क्योंकि उसमें हाई वोल्टेज होती है ना, कैसी कैसी उसके अंदर किरणें जाती हैं, इतनी हाई वोल्टेज होती है, इतनी ऊर्जा उसमें जाती है। तो जो एक्चुअल जो टेस्ट है खाने का, जो उसका पोषक तत्व है, जो हम बात करते हैं उसके विटामिन्स, मिनरल्स, वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भी हमको माइक्रोवेव का खाना नहीं खाना चाहिए। हम आध्यात्मिक हैं, हम स्पिरिचुअल हैं, हम मास्टर्स हैं, हम ध्यानी हैं, जो भी खाएं, सोच समझ के खाएं, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, और खुश होकर खाएं, खुश होकर ही पकाएं। तो बहुत बहुत गहरी गहरी बातें इस बुक में, शाकाहार बुक में आपको पढ़ने को मिलेंगी फ्रेंड्स। आप लोग जब ये बुक खरीदेंगे, जब इसको आप पढ़ेंगे, तो और भी अनेकों मैसेजेस इसके अंदर आपको मिलेंगे शाकाहार से रिलेटेड। एक और महत्वपूर्ण बात, भगवान कृष्ण का मैसेज जो इस किताब में दिया गया है, कि खाने को तीन तरीके से देखा जाता है। एक खाना होता है सात्विक, एक खाना होता है राजसिक, और एक होता है तामसिक। तो ये हम पे निर्भर करता है कि हम कौन सा खाएं। सात्विक खाना जो हमें प्रकृति ने दिया है, जो हमें नेचर ने दिया है, फल, सब्जी, ये सब। राजसिक खाना वो है जिसे हम अपने स्वाद के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, खट्टा, नमक, ठंडा, गरम और अनेकों मसाले, ज़्यादा घी तेल डाल के, सिर्फ अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए, वो होता है राजसिक भोजन। और तामसिक भोजन जिसमें मांसाहार आता है, लहसुन आता है, नशीले पदार्थ आते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं खाना। क्यों? क्योंकि इससे डिप्रेशन आता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, चिड़चिड़ापन, आलस्य, घृणा, ये सब कुछ हमारे अंदर पैदा होता है। तो हमें बहुत सोच समझ के खाना है। शाकाहारी भोजन आपको ताकत देता है, शाकाहारी भोजन आपको स्वस्थ रखता है। इतने सारे फायदे हैं शाकाहारी भोजन के। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने किचन में जाएं, जब भी आप कुछ बनाने लगें, तो आप ये देखें कि शाकाहारी भोजन कितना फायदा देता है, आपको ऑटोमेटिकली प्यार हो जाएगा, जैसे मुझे हुआ। इस किताब को पढ़ने से पहले मैं सिर्फ सब्जियाँ बना रही थी, दाल बना रही थी, चावल बना रही थी, पर यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस किताब को पढ़ते पढ़ते इसकी ऊर्जा के साथ मैं इतना कनेक्ट हो गई पत्री सर के मैसेजेस के साथ, और जो मास्टर्स ने इनमें मैसेजेस दिए हैं शाकाहार के बारे में, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो इसमें मिली है, मैं उसके साथ इतना कनेक्ट हो गई फ्रेंड्स, कि मुझे टमाटर, गाजर, आलू,
गोभी, इन सबको देख के ही प्यार आने लगा कि कितना कितना ज़्यादा अच्छा है शाकाहार भोजन। सो ऑटोमेटिकली आप लोगों को भी अपने खाने से प्यार हो जाएगा। जब खाने से प्यार हो जाएगा तो खुशी खुशी खाना बनाएंगे, खुशी खुशी परोसेंगे और आप देखेंगे कि टोटल ऊर्जा आपकी, आपके बच्चों की, आपके परिवार की बदल जाएगी। अंत में हम एक भगवान कृष्ण का इसके अंदर मैसेज लेंगे फ्रेंड्स, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से क्या कहा? भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं केवल तुम्हें ये बताऊंगा कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, आगे तुम्हारी खुद की इच्छा। किसी भी किताब में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि ये करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, ये करोगे तो नर्क मिलेगा। नो, आप अच्छा करें, आप बुरा करें, आप सही करें, गलत करें, सेवा करें या ना करें, किसी को प्यार करें या किसी का गला काट दें, भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपके हर कर्म का फल निश्चित है। तो हमको ये समझना ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या खाना है। मैं फिर से एक बारी आप सबसे प्रार्थना करूँगी फ्रेंड्स कि जागरूक हो जाएं, प्लीज़ अवेयर हो जाएं, पशु पक्षियों से प्यार करें, उनको सम्मान दें, वो हमारे छोटे भाई बहन हैं। फिर से वो मैसेज रिपीट करूँगी कि हम खुद एनिमल किंगडम का सफ़र तय करते करते ह्यूमन किंगडम की तरफ आए हैं, उन्हें भी मौका दें, उनकी भी चेतना के स्तर को आगे बढ़ना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हमने कितना सब कुछ जाना शाकाहार के बारे में कि शाकाहार की क्या महत्व है और मांसाहार क्यों नहीं खाना चाहिए। आई होप आप सब तक मेरा ये मैसेज पहुँचा होगा। जो भी मेरी जानकारी, जितना भी मेरा विजडम मैंने ग्रहण किया इस बुक को पढ़ के, वो मैंने आप सबके साथ आज शेयर किया है। अंत में एक मैसेज लेते हैं हमारे पिता महापत्री सर का। पत्री सर ने इस बुक में मैसेज दिया है कि वो चाहते हैं उनका एकमात्र सपना, उनका एकमात्र इच्छा, उनका एकमात्र कार्य कि सारी मानवता पाप मुक्त मानवता हो जाए। उन्होंने कहा कि जब तक हर एक प्राणी, हर एक व्यक्ति इस धरती पर शाकाहार नहीं हो जाता, वो इस धरती पर रहेंगे। वो चाहते हैं सभी लोग शाकाहारी हो जाएं और सभी लोग ध्यानी हो जाएं। और पत्री सर ने इस बुक में ये भी बताया है कि कैसे हम शाकाहारी हो सकते हैं, क्या तरीका है, और वो तरीका है ध्यान। अपने आप को ध्यान से जोड़ना, डेली ध्यान करिए, बुक्स पढ़िए, अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए। ये स्पिरिचुअली जो हमारी ग्रोथ है, ये जो हमारे अध्यात्म का रास्ता है, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमको एक अच्छा इंसान बनाने में, हमको एक अच्छा मास्टर बनाने में। तो इस मैसेज को हमेशा याद रखिएगा कि आपको डेली ध्यान करना है, अपने आप को मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करना है, अपने आप को इतना जागरूक और इतना अवेयर करना है कि आप लोग सभी शाकाहारी हो जाएं। और अंत में मैं इतना कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि जैसा मैंने बताया कि हम सब परिवार वाले हैं, मेरे भी बच्चे हैं, आप सबके भी बच्चे हैं, आप सबका परिवार है, मेरा भी परिवार है। अगर मेरे बच्चों को कोई पीड़ा दे, दुख दे, परेशान करे, तो वो किसके पास आएंगे? मेरे पास, पिता के पास, अपने बड़ों के पास? या ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे बच्चों को कोई तंग करता है तो हम क्या हेल्प लेते हैं? हम कानून की हेल्प लेते हैं या हम कोर्ट केस करते हैं? ऐसा होता है ना, कोई परेशान करता है, कोई तंग करता है, प्रताड़ित करता है। लेकिन इन बेजुबान जानवरों का क्या? इन्होंने क्या गलत किया है? ये किसके पास जाएंगे? ये किससे इंसाफ मांगेंगे? इनकी पुकार कहाँ तक पहुँचेगी? आज ये स्वाध्याय सीरीज़ में, ये बुक लेने का मेरा यही पर्पस था कि ये पुकार आप सब तक पहुँचे। प्लीज़ ये मैसेज आप सब तक पहुँचे। आप शाकाहारी हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब आभार। और अगर आप शाकाहारी नहीं हैं तो आज ही शाकाहार को अपनाएं। और ये मैसेज आप हर अपने घर के हर सदस्य तक, आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आस पड़ोस में हर किसी को बताएं कि कितना इम्पॉर्टेंट है शाकाहारी होना। जागरूक हो जाएं फ्रेंड्स, कृपया
पशु पक्षियों पे इस अत्याचार को रोकने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे का हाथ थाम के इस मिशन में आगे बढ़ें। हर घर शाकाहारी हो, हर घर ध्यानी हो, हर घर में ये सत्य पहुँचे, हमारे पिता महापत्री जी का ये सपना पूरा करें। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई होप कि आपको इस बुक से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कृपया आप लोग सब ये शाकाहार बुक को पढ़ें ताकि आपको और डीप मैसेजेस इसके अंदर समझ आएँ और ये बुक ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड सर्कल में दूसरों को पढ़ने के लिए गिफ्ट भी कर सकते हैं, सो दैट उनके अंदर भी अवेयरनेस आए। आज के इस सीरीज़ में, आज के इस स्वाध्याय श्रृंखला में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।